आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग कालांतर और पथांतर के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। कह रहा है हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हमारा कालांतर और पथांतर, कालांतर और पथांतर के बीच संबंध स्थापित करें। कालांतर और पथांतर के बीच संबंध स्थापित करें। आंसर होगा हमारा, कालांतर का परिभाषा दिया जाता है कला में अंतर को कालांतर कहते हैं। कला में अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? कालांतर। और पथ में अंतर को पथांतर कहते हैं। कह रहा हमारा कला में जो अंतर होता है हमारा वो कोण में अंतर होगा और पथ में जो अंतर होगा वो हमारा तरंग दैर्ध्य होगा। कहता है चूंकि चूंकि लैम्डा चूंकि लैम्डा पथांतर के लिए लैम्डा पथांतर के लिए कालांतर लैम्डा पथांतर के लिए कालांतर 2π है। लैम्डा पथांतर के लिए कालांतर हमारा कितना है? 2π। इसीलिए एकांक पथांतर के लिए कालांतर हमारा होगा 2π बटे लैम्डा। इसीलिए x पथांतर के लिए कालांतर हमारा होगा 2π बटे लैम्डा गुना x, 2π बटे लैम्डा इंटू x। क्या है हमारा कालांतर बराबर कालांतर को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। कालांतर को हम लोग क्या सूचित करते हैं? कालांतर को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। तो क्या होगा हमारा कालांतर फाई बराबर 2π बटे लैम्डा इंटू एक्स। कालांतर हमारा क्या? कालांतर फाई बराबर 2π बटे लैम्डा इंटू एक्स। अगर इसको सिंपल में लिखित करेगा हमारा फाई बराबर 2π बटे लैम्डा इंटू एक्स। ये हमारा क्या होगा? कालांतर और पथांतर के बीच संबंध होगा। फाई कालांतर हमारा, उसको हम लोग अंग्रेजी में फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π बटे लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये भी हमारा कालांतर और पथांतर में क्या होगा? संबंध होगा। फाई बराबर 2π बटे लैम्डा इंटू एक्स, उसी को अगर लिखे तो कालांतर को हम लोग फेज डिफरेंस बराबर 2π बटे लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।